टाइगर है मगर इतना भी अल्लाह मतलब हम तो खाना बना दो और नहीं बनाना लेकिन ये कांच वो वाली है ना वो स्मार्ट बनने की जरूरत वाह अब वीडियो बना चल रहा है यार मैं तो बना रही हूँ वीडियो क्रॉप कर लूंगा इनको कट कट 15 सेकंड जरा कैमरा साफ नहीं भी भाई तू जा रहे मेरे को बहुत डर लग रहा है मोबाइल में बन रहा है दीदी मैं वीडियो बना रही हूँ आप फोटो ले लो भाभी कैसे ले लूंगा वीडियो चालू कहाँ से होता है इनका तो बिल्कुल क्लिक में ये देखना कहाँ चालू है हाँ चालू गया चालू अरे यार ऐसे बैठे हो रहे थोड़ा साइड हट के बैठो वो मुंह फाड़ रहा मेरे को मैं अपनी आंख से देख नहीं रही मोबाइल में देख रही हूँ तो मैं लाइव देख रही हूँ दीदी बंद करो अब बंद करो भैया कुछ दिखाओ देख रही हूँ ना देख रही हूँ दूसरा गया भैया तीनों खड़े होंगे भैया एक नंबर बनेगा अभी फोटो लो ना कोई फोटो लो यार आज दिनांक 14/4/2020 मैं विनोद बंदैया सेक्टर सुपरवाइजर गढ़ी अपनी स्वास्थ्य टीम को लेके 1 ग्राम पटुआ वैक्सीनेशन के लिए गया हुआ था। लौटते में डीप फॉरेस्ट सुखार से लगभग 1 किलोमीटर पहले हमने बहुत ही अच्छा दृश्य देखा। एक साथ 4 टाइगर रोड पे बैठे हुए थे जिसको देखकर शुरू में तो हम थोड़ा सा डरे सहमे से हो गए। फिर बहुत लंबे समय तक के वो कम से कम 10 मिनट तक के रोड पे बैठे रहे और इधर से उधर टाइगर चहलकदमी कर रहे थे जिसको देखकर हम बहुत आनंदित भी हुए। और ये जो इस क्षेत्र का ऐसा कहा जाए कि ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से है कि बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पे हम स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं तो काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। जैसे कि आप वीडियो मैंने अभी डाला हुआ है फेसबुक पे भी तो देखा होगा आपने, एक साथ ऐसे हिंसक जानवर का सामना हो जाना स्वास्थ्य कर्मियों का, ये हमारे लिए एक दिक्कत की भी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कि एक साथ हम इतने सारे बाघ एक साथ देख सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको वैक्सीनेशन जो हमारे टीम के द्वारा किया जाता है जिसमें कि मैं विनोद बंदैया सुपरवाइज़र, हमारी 4 ANM साथ में गई हुई थी, बिंदु बर्मन, प्रीति जंगेला, जितेश्वरी पारदी और मधु शिवा, ये 4 ANMO के साथ जाके हमने 1 ग्राम का वैक्सीनेशन किया और लौटते में ये बहुत अच्छा दृश्य देखा हमने। आपने ये जो दृश्य देखा 1 ग्राम का जो हम लौट रहे थे तो देखने में ये दृश्य बहुत मनमोहक लगता है मगर हम स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत दिक्कत की भी बात है कि ऐसे क्षेत्र में हम काम करते हैं, ऐसे हिंसक जानवरों का सामना करते हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे दृश्य हम देख रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। और मैं शासन से गुजारिश करूंगा कि ये जो सुखार गेट है इसको भी नेशनल पार्क का एक गेट बनाया जाए इस एरिया को, जिससे कि सभी लोग यहाँ का लुत्फ़ उठा सकें। और पटवा से शाम तो 5 बजे लौटते समय सुधा से 1.5 किलोमीटर पहले जब टीम वापस हो रही थी तो उस समय उन्हें चार उनके मार का सामना हुआ और काफ़ी विवेक से और कुशलता से जो हमारी टीम थी, टीम में जो सुपरवाइज़र थे विनोद मंदैया जी, उन्होंने काफ़ी उसको संभालते अपने विवेक और अपने कुशल मार्गदर्शन में टीम को सुरक्षित वहाँ से निकाला। सर गनीमत है कि उस समय हिंसक अवस्था में नहीं थे बाघ, नहीं तो क्या मानते हैं कि कोई घटना भी घटित हो सकती थी बड़ी? हाँ बाघ हिंसक अवस्था में नहीं थे, यदि हिंसक अवस्था में रहते तो हो सकता है कुछ घटना हो सकती थी, लेकिन जैसा कि टीम द्वारा मुझे बताया था कि इससे पहले भी जब भी टीम जाती रही है तो तभी तभार उन्हें मात हाथ मिल जाते, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 मात एक साथ मिले उन्हें। तो सर क्या बताया टीम ने कि कितने देर तक के उनका सामना रहा, बाघ कैसे फिर गए वापस जंगल में? 5 मिनट तक टीम वहाँ थी और 5 मिनट तक उनका सामना हुआ, वे अपने ताड़ी में पूरा 5 मिनट करते बैठे रहे, ताड़ी से बाहर भी हलचल नहीं की उन्होंने, शांत बैठे रहे, 11वीं ताड़ी में शांत बैठे, ना हॉर्न न बजाया, न कुछ किया उसने, और उसके बाद 5-8 मिनट बाद स्वयं जो है मात जंगल की ओर चल दी।
तो एक सूझबूझ और विवेक से जान बचा टीम ने, ये बोल सकते हैं। ये टीम तो काफ़ी सराहनीय काम है कि उन्होंने बिना डरे, बिना किसी भय के, बहुत विवेक और सूझबूझ से उस स्थिति का सामना किया और उस स्थिति से बाहर निकले। और मैं टीम को बधाई भी देता हूँ और उनके जो सराहनीय कार्य है उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। चार है और एक आगे है, इसको बना ओपन कर, आगे है निक्की, ओपन करते रहिए। नहीं भैया पांच हैं। ये कुछ तो कह रहे हैं, पता है मेरे को भी लग रहा कुछ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से मीटिंग ये दीदी देख रहा है, वो तो एक अंदर जा रहा है, चुपके बैठ जाओ कह रहा है वो भी। हां दीदी।